पूरे झारखंड में बारिश जो है वो लगातार हो रही है। ऐसे में राजधानी रांची में भी लगातार कई दिनों से तेज बारिश हो रही है और इसका असर अब पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। और यही मेरे पीछे आप देख सकते हैं बांधगाड़ी का इलाका है जो कि कोकर में पड़ता है और यहाँ पर एक बरगद का पेड़, एक विशाल बरगद का पेड़ जो है वो गिर चुका है। और ऐसे में यहाँ पर सब्जी बाजार लगता था और यहाँ पर कुछ लोग घायल हो गए हैं। देख सकते हैं तस्वीर में किस तरीके से एक विशाल बरगद का पेड़ जो है वो गिरा है। इसमें एक महिला घायल भी हुई है, साथ ही साथ जो यहाँ पर सब्जी की दुकानें लगती थी वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एक पेड़ जो है वो गिर गया है और लगातार जो है यहाँ पर बारिश को लेकर के जो समस्या हो रही थी अब जो है सीधा नजारा आप राजधानी रांची में देख सकते हैं किस तरीके से ये घटना हुई है। हालांकि इसमें काफी चोटें लोगों को नहीं आई है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये हादसा होता है, पूरी बिजली की तार जो है वो इस पेड़ से, आप सीधी तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से इस पेड़ से जो है इसके ऊपर से जा रही है, तो ऐसे में एक बड़ी घटना होते होते टली है। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार बारिश की वजह से जो है इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें यहाँ के दुकानदारों की तो इनका सारा सब्जी का दुकान जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए थे सब्जी बाजार में वो यहाँ पर तमाम जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं बात करें तो यहाँ के जो दुकानदार हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ से अपने सामान जो है वो हटा रहे हैं। वहीं यहाँ पर नुकसान जो है काफी देखने को मिल रहा है। सीधी तस्वीरें जो है देख सकते हैं, ये घटना जो है लगभग थोड़ी देर पहले हुई है और ऐसे में कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना होते होते जो है वो हुई है। ये बताइए क्या हुआ था अभी? एक बैग पेड़ गिरा जी, ये हम यहीं बैठे थे, एक बैग चढ़ते चढ़ते करके गिरा, भागे हम, थोड़ा बहुत चोट आया है हमको भी, बाकी जो लेडीज वहाँ बैठल थी पूरा गिरा, उस सर और फट गया हॉस्पिटल में। तो कितना साल पुराना पेड़ है ये? अब हम लोग कहा जा रहे हैं सर, ये कितना साल आपको यहाँ के बाजार लगाते हैं? हाँ बाजार, ये बाजार लगाते हैं। ये एप्लीकेशन भी दिया हुआ है नगर निगम में, लेकिन वो लोग सुन नहीं रहे थे। कितने 15-20 दिन से एप्लीकेशन भी थोड़ा थोड़ा टूट के गिर रहा था, इसका एप्लीकेशन भी दिया गया है। आप लोगों को लग रहा था कि गिर सकता है, गिरने वाला डेली गिर रहा था जी, थोड़ा तो छोटा छोटा डेली गिर रहा था, आखिरकार गिरेगी? हाँ गिरेगी, ये 15-20 दिन पहले से भी नगर निगम में एप्लीकेशन दिया गया है। पहले से इन लोगों को पता था कि ये पेड़ गिर सकता है, लगातार इसकी शिकायतें जो हैं यहाँ के लोग कर रहे थे रांची नगर निगम की, लेकिन रांची नगर निगम टीम को जो है यहाँ पर पहुंची थी या नहीं पहुंची थी, लेकिन इस तरह की घटना जो हो गया ये बहुत बड़ा घटना। और ऐसे में कह सकते हैं कि हालांकि एक महिलाओं को काफी चोट लगी है, लेकिन कह सकते हैं कि अगर कोई बड़ी घटना यहाँ होती तो एक बड़ा यहाँ पर हादसा होता, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में रांची नगर निगम के तमाम दावे जो हैं वो फेल नजर आ रहे हैं।